सकते हैं। हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग, आपका स्वागत है टीचिंग बाय विजय दहिया में। मैं आज आपको टेंस के बारे में बताने जा रहा हूँ। टेंस कितने प्रकार के होते हैं और टेंस कैसे बनाए जाते हैं और किस किस रूप में बनाए जाते हैं, इसके बारे में आपको बताने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले हम यहाँ लिखेंगे टेंस। टेंस को मैंने लिख दिया, तो इसका टेंस का मतलब होता है टाइम एंड टेंस। टाइम एंड टेंस। अब टाइम एंड टेंस ये तीन प्रकार के होते हैं, तो सबसे पहले प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, ये तीन प्रकार के होते हैं। तो इन तीनों के चार चार भाग होते हैं। चार चार भाग वे कौन से होते हैं, यहाँ लिख सकते हैं इन तीनों के चार चार भाग होते हैं। वो कौन कौन से हैं, यहाँ पे लिखे नंबर एक प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, नंबर दो में लिख सकते हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, नंबर तीन में लिख सकते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, और नंबर चार में प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। जैसे प्रेजेंट टेंस के चार भाग हैं, इसी प्रकार इसके भी चार भाग होंगे, इसी प्रकार से इसके भी चार भाग होंगे। तो प्रेजेंट टेंस का मतलब क्या होता है।